अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम बैक जायका अपने घर के में। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचौड़ी, बिल्कुल हलवाई जैसी, वो भी घर के मसालों से और घर में ही बनाएंगे हम हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी, जो ठेलों पर वगैरह मिलती है ना उस टाइप की। और उसकी साथ में हम सब्जी भी बनाना सीखेंगे कि हम लोग सब्जी उसकी कैसे बनाएंगे तीखी चटपटी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है 2 कप उड़द दाल। यहाँ मैंने धो ली है पहले उड़द दाल को, रात भर ओवरनाइट सोक करके इसको अच्छे से मैंने धो लिया है, इसके छिलकों को मैंने अच्छे से उतार लिया है। आप उड़द दाल के साथ साथ मूंग की दाल भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उड़द ही दाल लें, मूंग की दाल भी ले सकते हैं, दोनों में से आपकी चॉइस है। या फिर 2 कप उड़द दाल को और 2 ही कप मूंग दाल, दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं खस्ता कचौड़ी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब पहले इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं और फिर इसके बाद देखना हमको क्या करना है और क्या कौन कौन से मसाले चाहिए। तो हम लोगों ने ये पेस्ट बना लिया है इसका, हमको ज़्यादा गीला गीला पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम ड्राई पेस्ट है ये हमारा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक बाउल में मैदा लेंगे, यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया है मैंने, उसके बाद 1 कटोरी और लूँगी मैं, और ये 2 कटोरी मैदा गया हमारा, ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, मीडियम कटोरी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पांच टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 3 चम्मच, 4 और ये 5, 5 चम्मच हमने कर लिया है। और इसके बाद हम करेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक, तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पहले हमको रिफाइंड को इसको आटे में ही मिक्स करना है, इस तरीके से आपका आटा जो है बाइंड होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो है रिफाइंड जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें, और जो है इतनी ही रिफाइंड हमको मैदे में चाहिए। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, एक स्मूथ नहीं बनाएंगे और ना ही ज्यादा टाइट डो तैयार करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना उसी तरीके से हमको पाइंड करना है, स्मूथ नहीं रखना है। इसी तरीके से हमको इसको बांधना है, बस चिकना नहीं करना है, चिकना हम लोग उसको बाइंडिंग के बाद करेंगे। तो ये देखिए एक स्मूथ सा डो, ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है एकदम, तो डो मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, इसको क्रश करके हम लोग इस तरह से डाल लेंगे। सूखे आटे में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस इधर बाइंडिंग करने के बाद मिक्स करा है। बस इसको हम इस तरह से मिला के जो है थोड़ा सा ऑयल इस पर लगा देंगे, ताकि जो भी आटे पे जो परत सी जम जाती है ना, पपड़ी सी टाइप की, वो न लगे। इसको हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो ये डो हम रख देते हैं साइड में, और पहले हम इस जो दाल है हमारी उसको हम फ्राई कर लेते हैं इतने में, इतने हमारा डो तैयार होगा, हम ये दाल को जो फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे, दो टेबल स्पून हम लोग लगाएंगे, 2 से 3 भी लगा सकते हैं, अगर आपके दाल के ऊपर है कि आपकी दाल कितनी है। ऑयल गर्म हो गया है हमारा अच्छे से, मीडियम फ्लेम करेंगे, हम डालेंगे पहले ये दाल जो हमने पीस के रखी हुई थी पहले से ही। एक मिनट तक हम उसको फ्राई करेंगे।
और इसमें मसाले ऐड करते चले जाएंगे। मैंने तेल में मसाले ऐड नहीं करे हैं, हम लोग इसमें डालेंगे दाल में ताकि फ्लेवर ज़्यादा आए। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, रोस्टेड जीरा पाउडर आधा चम्मच, सौंफ पाउडर आधा छोटा चम्मच, और यहाँ पे है गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। हर चीज़ मैंने आधा चम्मच करके डाली है, ठीक है। थोड़ा सा ही हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आइए, 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करे हुए। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं हम इस पे। इसको टाइम लगता है दाल को, क्योंकि इसमें दाल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है, तो उसको मॉइस्चराइज़र ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि दाल हमारी नहीं होगी, इसी तरह से होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप चलाते ही रहिए उसको लगातार करके, और इस तरीके से आप उसको गुठल को फोड़ते ही जाइए, फिर आपके वो आराम से इस तरीके से दाल हो जाएगी। तो आइए, मैंने गैस बंद कर दी है, यहाँ पर हम उसको दाल को निकाल लेते हैं। दाल को हम ठंडा होने रख देंगे। इतने हम बना देते हैं अपने जो है खस्ता कचौड़ी की सब्जी। अच्छे से हम उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। इस सब्जी में ना तो प्याज डलता है ना ही टमाटर, लेकिन अगर आपका टेस्ट है और आपका मन है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम बाहर जैसा बना रहे हैं तो उसी के लिए मैंने आज डाला नहीं है। तो आइए आज हम अब हम देख लेते हैं सब्जी में हमको क्या क्या चाहिए और क्या क्या ऐड होने वाला है सब्जी में। यहाँ मैंने डाला है अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया है मैंने, बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। और यहाँ पर है 1 छोटा चम्मच जीरा, हींग और लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची को मैंने यहाँ पर दरदरा पीस लिया है, देख रहे हैं आप। 1 छोटा चम्मच ये मैंने तीनों चीज़ों को पीस लिया है। यहाँ पर हींग है ये और यहाँ पर ये जीरा है, ठीक है। ये हम ऐड करेंगे। और मसाले हैं यहाँ पर सूखे जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो हैं 1 ही चम्मच हमारी लाल मिर्च पाउडर, ये है 2 बड़े चम्मच मेथी दाने की चटनी पर है ये जीरा पाउडर। जीरे को भून के हमने इसको बारीक वो जो है कूट लिया है इसको, जीरा पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच है यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर है ये सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे हमारा। तो मेथी दाने की चटनी जो है आपको कहीं पे भी बाज़ार में इजीली मिल जाएगी। वो किस तरह की होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके की होती है मेथी दाने की चटनी, ये देखिए। ये हलवाई वगैरह यही चीज़ डालते हैं, और लेकिन ये पैकेट चेंज हो जाता है, किसी का वाइट पन्नी में भी आता है, किस बस समोसों की सब्जी में हो, ब्रेड की सब्जी हो, या खस्ता कचौड़ी की सब्जी हो, उसमें भी ये उसी भी चीज़ में ये डलती है, उसी चीज़ के लिए खास तौर पे बनाई गई है। तो उसी चीज़ का मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है मेथी दाने की चटनी। ये आपको 100 रुपीज़ की मिल जाएगी और किसी भी छोटे मोटे मार्केट में अवेलेबल है आसानी से, 200 ग्राम, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बातों ही बातों में ऑयल भी गर्म हो गया है, तो आते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें डालते हैं जीरा, थोड़ा सा जीरा डाला है हमने, काली मिर्च का पाउडर, हींग है, ये सब जा रहा है, बस हल्का सा होते होगा, अदरक और मिर्ची का पेस्ट है ये, हल्का सा हमको फ्राई करना है। फ्लेम को हम तेज कर देंगे। आप इसमें अमचूर का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको तेज खट्टी पसंद है सब्जी तो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 मिनट लगेगा हमको इसको अदरक को फ्राई करने में।
बस अदरक हो चुकी है फ्राई, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। फ्लेम को कम करेंगे हम, पानी ऐड करेंगे। एक से दो मैंने तेज पत्ते भी ऐड कर दिए हैं इसमें। बस मसाला अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तभी मसाले वो सब्जी में हमारी खुशबू बढ़ जाएगी। और यहाँ मैंने जो है चार मीडियम साइज़ के आलू जो है बॉईल करके मैश करके रख लिए हैं। हमको एकदम बारीक सा मैशर नहीं करना है, थोड़े बहुत मोटे भी रखने हैं हमको आलू, ठीक है, इस तरीके से रखने हैं हमको। आइए सब्जी देख लेते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हमारे मसालों की, तो आप घर में ज़रूर बना के देखिए और सबको खिला के देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरीके से आप एक से दो मिनट जो है मसालों को फ्राई करिए। मसालों ने तेल को अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू की सब्जी जो है आप हम लोग हमेशा थोड़ी पतली पतली रखेंगे, पतली पतली खाने में बहुत मज़ा आता है, ताकि वो कचौड़ी उसमें डूब जाए और फिर खाएं उसको हम। इस तरीके से हल्का सा उसको फ्राई करेंगे आलू को। एक मिनट तक हम फ्राई करेंगे और आधा चम्मच हमको उसमें नमक डालना है। ऐड करेंगे अब इसमें पानी, पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिए, ज़्यादा कम, आपको जितनी सब्जी में पतली चाहिए पतली करिए, गाढ़ी चाहिए थोड़ी बहुत उस हिसाब से आप पानी ऐड करिए अपना। मैं थोड़ा सा पानी और लगाती हूँ क्योंकि पानी अभी पकेगा भी। तो यहाँ पानी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैं एक आपको एक बात बता दूं कि जो हमने यहाँ पर सब्ज़ी बनाई है, इस सब्ज़ी में सबसे मेन मसाला है वो मेथी चटनी का मसाला है। अगर आप वो मसाला नहीं डालेंगे तो ये वही सब्ज़ी बन जाएगी जो हम नॉर्मली घर में आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, सिंपल वही आलू तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ अलग बनाना है, बाहर जैसा बनाना है, तो आप वो मेथी दाने की चटनी ज़रूर डालिए, इसमें ऐड करिए, ठीक है। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट। तो आइए चेक करते हैं, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम पतली पतली बनी है और खुशबू भी लाजवाब आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी का, थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 चम्मच मैं बाद में ऐड करूँगी अपना ये अमचूर का पाउडर, जो हमारी खट्टी कम बेसी होगी वो पूरा इसमें हो जाएगी, हमारी सब्जी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। हालांकि जो मेथी दाना हमने डाला है उससे भी खट्टी हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा ना कि अलग अलग तरह के मेथी दाने की चटनी आती है, तो किसी में खट्टापन वो लोग डालते हैं और किसी में कम डालते हैं और किसी में अच्छा सा डाल देते हैं, तो उस वजह से आपको अपने सब्जी को टेस्ट करना है और उस हिसाब से आपको अमचूर का पाउडर भी अपना इधर ऐड कर देना है, ठीक है। तो बस हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको एक निकाल के अपनी कचौड़ियों के लिए हम तैयार करते हैं। तो सब्जी हमारी तैयार हो चुकी थी, अब बनाते हैं हम अपनी कचौड़ियाँ। यहाँ मैंने ऑयल, रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया है और इसकी हम पहले बॉल्स तोड़ लेते हैं छोटे छोटे करके, जितनी भी आपको जितनी बड़ी कचौड़ियाँ चाहिए। तेल को मैं गर्म होने कम रख देते हैं हम लोग। इस तरीके से आप लोइयों को गोल करिए, इस तरीके से छोटी सी आप एक पोटली सी बनाएंगे या कटोरी सी। जो थोड़ा सा हम लोग सूखा मैदा भी लेंगे इसको लगाने के लिए,
इस तरह से हम पहले इसको भर देंगे कचौड़ियों को, कचौड़ियाँ भर के हम रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम एक साथ ही हमको सेकेंगे और इस तरीके से हमको उसका मुंह बंद करना होता है कचौड़ियों का, और अगर एक्स्ट्रा हो तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। बस इसको आप हाथ से भी प्रेस करके बड़ी कर सकते हैं और थोड़ा सा बेल कर भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो हम बेल कर बड़ा करेंगे, पहले हम इसको सारे कचौड़ियों को हम भर के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से आपको घुमाना है और कचौड़ियों को भरना है। एक चम्मच ही भरना आप, जितना आपकी लोई होगी उस हिसाब से आप दाल को भरना और एक्स्ट्रा आटा निकाल देना। इस तरीके से हम लोग सारी कचौड़ियों को भर के तैयार कर लेंगे। ये हमने सारी कचौड़ियाँ भर के तैयार कर ली है। अब हम इसको एक एक करके इस तरीके से प्रेस करेंगे अपने हाथों से और हल्का हल्का इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा हमको नहीं बेलना है, बस हल्का हल्का बेलेंगे। तरीके से हम लोग बेल बेल के रख लेंगे हल्का हल्का हम लोग इस तरीके से हम सारी कचौड़ी को एक या दो बार बेलन से बेल कर तैयार कर लेंगे भर। तो ये हमने कचौड़ियाँ बना के यहाँ तैयार कर ली है। मेरी यहाँ पर 10 कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। तेल को हमको एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम कम टेम्परेचर पे गर्म करना है, जिससे कि कचौड़ी हमारी धीमी धीमी सीखें और अंदर से भी मैदे को हमारे पका सकें और फिर बाहर से वो क्रिस्पी और खस्ता उस बन सकें। तो मैंने यहाँ पर तेल जो है बहुत कम गर्म करा है, आप भी इसी तरीके से कम गर्म करेंगे। आइए तो हम उसमें कचौड़ियाँ डालते हैं। एक बार में आपकी जितनी कचौड़ियाँ आ जाएं, बस कचौड़ियों को डाल के आप छोड़ दीजिए, कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर जब तक ना आ जाएं, जब तक आप कचौड़ियों को छेड़े नहीं। मेरी एक बार में 3 कचौड़ियाँ आई हैं और धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए। बस इसी स्टेज पे आपको भी कचौड़ियाँ सेकनी है और धीरे धीरे कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर आएंगी, आप देखिएगा। फ्लेम को हमको कम ही रखना है अभी, जब तक ये ऊपर ना आ जाए, जब तक हमें फ्लेम अपनी कम ही रखनी है। जब ये ऊपर कचौड़ियाँ आ जाए तब इसकी हमको फ्लेम पलट के, फ्लेम को तेज करके फिर हम उसको करारी करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि मेरा, हम लोगों ने यहाँ पर जो आटे में अजवाइन डाला था, वो अजवाइन इसीलिए डलता है आटे में, मैदे में, कि जो कचौड़ियाँ हैं वो किसी किसी को डाइजेस्ट होती हैं, किसी किसी को नहीं होती हैं। तो इसीलिए अजवाइन डालने से जो है कचौड़ियाँ आराम से डाइजेस्ट हो जाती हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, लेकिन अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है और फायदेमंद भी होती है। तो देखिए कचौड़ी जो है धीरे धीरे आ रही है, ऊपर आ रही है, आप देखिए धीरे धीरे ये ऊपर कचौड़ियां अपने आप आ रही हैं। ये देखिए धीरे धीरे ऊपर आ गई तीनों कचौड़ी हमारी। जब तक हमको इस कचौड़ी को नहीं छेड़ना है और ना ही हम लोग, मैंने भी छेड़ा है, बस इस तरीके से हम उसको अलग करेंगे और अभी सिकने देंगे। हल्की सी हम फ्लेम बढ़ा देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी मैंने फ्लेम को बढ़ाया है। फिर से हम इसको सिकने देंगे एक साइड। अभी ऊपर अच्छे से आ गई हैं तीनों, अब हम इसको पलट देते हैं। इसको भी हम लोग पलट देते हैं, इसको हम धीरे धीरे फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली फूल भी गई हैं अपने आप ही, हमने इसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और फिर से हम इसको पलट देंगे अपनी कचौड़ियों को, धीरे धीरे आप पलटते रहिए और सेकते रहिए, ये अपने आप खस्ता और जो है
ब्राउन अपना कलर भी चेंज हो जाएगा। बस उसको सिकने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, 10 मिनट इसको लगभग लगते ही लगते हैं पकने में, क्योंकि अंदर से भी हमको मैदा को अपना पकाना है। और मैंने आटे में सोडा भी नहीं मिक्स करा है, तो बिना सोडे के भी हमारी जो कचौड़ियाँ जो है खस्ता और फूली हुई बन रही हैं। तो देखिए मेरी जो कचौड़ी है कितने अच्छे से कलर आया है इसमें और फूली फूली भी बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी आपको फूली फूली बनेगी आप लोगों की भी, और कलर भी बहुत जबरदस्त आया है हमारी कचौड़ियों में। इसी तरीके से हम लोग जो है अपनी बाकी भी कचौड़ियां सेक लेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारा तेल का बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो अब हमें अभी नहीं सेकना है, इसको हमें बंद करना है और इस टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर कम में से करा तभी इतनी लाजवाब बनी है। अभी सीखते 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 टेम्परेचर जो है तेल का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हम इसको पहले बंद कर दिए मैंने फ्लेम को, और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने रख देंगे तेल को, जब हम दूसरा बैच अपना कचौड़ियों का डालेंगे। इतने हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये सर्व कर ली है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनी है हमारी कचौड़ियाँ, एकदम करारी करारी और खस्ता भी। तो अगर ये मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज लाती रहूं।